तो आपको मैं कह रहा हूँ ना कि मैं जो जर्नी कर रहा हूँ वो सबसे कोल्डेस्ट रीजन की जर्नी है। मतलब ये मंजर आपने कहाँ देखा होगा बताओ, ऐसा कुछ कभी देखा है आपने? ये देखो पूरा जमा हुआ है, आई थिंक ये डाइनिंग कार है ना, यहाँ से पानी निकला होगा तो पूरा ये बर्फ जम गई यहाँ पे स्टेशन के ऊपर ना, पूरी बर्फ जमी हुई है यहाँ पे, पहले गिरी होगी और इन्होंने साफ नहीं की, पूरी नदी जमी हुई है, पूरा ग्लेशियर बन चुका है ये। राइट नाउ द टेम्परेचर इज अराउंड -10 डिग्री सेल्सियस जहाँ पे मैं हूँ अभी। वेलकम टू हैरीज ब्लॉग्स। आज है 24th of February और हम करने जा रहे हैं एक और जर्नी जो कि वन ऑफ द कोल्डेस्ट ट्रेन रूट है, वन ऑफ द कोल्डेस्ट पूरे वर्ल्ड में, चाइना का भी वन ऑफ द कोल्डेस्ट रूट है ये। मैं हूँ अभी हार्बिन ईस्ट रेलवे स्टेशन में, टेम्परेचर अभी हो रहा है कुछ अराउंड -8 -9, आज जाएगा मिनिमम -20। तो 2 दिन से मैं हार्बिन में था और बहुत ही खूबसूरत सिटी है ये, हालांकि मैंने व्लॉग नहीं किया, कुछ पिक्चर्स मैं ऐड कर देता हूँ तो आप लोगों को एक ग्लिम्स मिल जाएगा कि हार्बिन एक बहुत ही खूबसूरत सिटी है। और बहुत ही ठंडी जगह है ये। अब आप बोलोगे कि हैरी तुमने ये क्या पहना हुआ है करके, तो ये बस मैं अंदर जा रहा हूँ स्टेशन के, फिर हीटर मिल जाएगा, फिर ठंड लगेगी नहीं। बहुत बढ़िया स्टे था मेरा। कल हम पहुंचेंगे बीजिंग अराउंड 10 बजे, 16 घंटे की जर्नी है। ब्लॉग देखना स्टार्ट कर रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और पिछले वाले ब्लॉग को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। ठीक है, बहुत मेहनत लगी थी वैसे इस वाले वीडियो में। इस वाले वीडियो में भी आप देखने वाले हो प्रॉपर कोल्डेस्ट जर्नी ऑफ द इन द वर्ल्ड। यहाँ से हम बोर्ड करेंगे, 2 स्टेशन है हार्बिन में, एक है हार्बिन ईस्ट और एक है हार्बिन, आई थिंक हमारी ट्रेन है K340 जो है 4:43 में आएगी प्लेटफॉर्म 1 पे। यहाँ से हम एंटर करेंगे, अब चलते हैं अंदर, बाहर है बहुत ज्यादा ठंड। थैंक यू हार्बिन, बर्फ बर्फ गिरी हुई है, ये पहले गिर गई थी लेकिन जमी हुई है और पिघल नहीं रही है। यहाँ पे भी जो है पहले पासपोर्ट चेक करेंगे, तो स्मोकिंग करना अलाउड नहीं है इसीलिए लोग बाहर ही स्मोक कर रहे हैं बैठ के। तो इस बार एक बढ़िया चीज़ क्या हुई है, मेरी सीट लोअर है तो लोअर सीट में चार्जिंग मिल जाएगी एक। तो पहले क्या होता है ना, देखो मैंने बुकिंग कराई है trip.com से, अली पे में trip.com के थ्रू पे कर सकते हो। उन लोग पैसे काटते हैं मैक्सिमम, मतलब लोअर के हिसाब से वो पैसे काटते हैं, बट अगर लोअर मिल गई तो मिल गई, टिकट इशू बाद में होती है, इमीडिएटली कन्फर्मेशन नहीं आती, 15 मिनट बाद आती है। पैसे वो काटते हैं लोअर के हिसाब से, अगर लोअर मिल गई तो कट जाएंगे, और नहीं मिली जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो आपको रिफंड कर देंगे। जैसे लास्ट वाली जर्नी में मुझे डिफरेंस अमाउंट ऑफ 500 वापस आ गया था। तो ये देखो स्टेशन के ऊपर ना पूरी बर्फ़ जमी हुई है, यहाँ पे पहले गिरी होगी और इन्होंने साफ़ नहीं की, और हमारी ट्रेन भी कुछ ऐसी है। ये हार्बिन ईस्ट स्टेशन है और एक हार्बिन स्टेशन है, तो जहाँ पे हम आए थे हार्बिन, वो हार्बिन में आए थे, निकल रहे हैं हार्बिन ईस्ट में, हालांकि ये हार्बिन रुक के आएगी। टिकट मेरी यहीं से हुई तो मैं यहीं आ गया, रिस्क नहीं लिया मैंने, हालांकि हार्बिन पास पड़ रहा था मेरे होटल के, काफ़ी नज़दीक था, बट मैं दूर आ गया क्योंकि यार जो टिकट में लिखा हुआ है कोई गड़बड़ होती बाद में तो कोई मतलब नहीं है। तो देख लो ये कुछ स्टेशन है पूरा आगे तक, छोटा सा ही है, जो नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन होती हैं उनका स्टेशन नॉर्मल ही है, बुलेट ट्रेन का है बहुत फारू टाइप का, लेकिन ये कोई नॉर्मल ही है भाई। देख लो कोक कोक मिल रही है। तो वैसे स्टे बहुत बढ़िया रहा ओवरऑल चाइना में, मज़ा आया यार, जगह तो अच्छी लगी। अब जा रहे हैं वापस इंडिया, कल की है हमारी फ्लाइट। धीमा ये ओरियो का क्या फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी बढ़िया लग रहा है। आज मैं गया था कोई इंडियन रेस्टोरेंट खाने के लिए, तो इंडियन रेस्टोरेंट था पीकॉक करके, तो वहाँ जाके बंदे से बात हुई, मतलब जो इंडियन बंदा था कहता कि यहाँ पे लोग बहुत स्टूडेंट्स हैं, एक्चुअली चाइना में बेसिकली स्टूडेंट्स बहुत हैं मेडिकल के, जो मेडिकल साइंस पढ़ रहे हैं। मतलब हार्बिन में भी जो है इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया मुझे, तो बहुत अच्छा रहा, बहुत टेस्टी था, और मेरा बिल कुछ आया लगभग 70 युआन का, 900 रुपये घटे मेरे बैंक से, तो बढ़िया ही था। एक चिकन टिक्का मसाला और राइस, बड़े दिनों बाद मैंने खाया इंडियन फूड, मैं फ़ोटो लगा दूंगा। तो 2 सेक्शन बने हैं स्टेशन में, लेफ्ट में जो है नॉर्मल पब्लिक के लिए और राइट में आर्मी के लिए। फाइनली बोर्ड कर रहे हैं। यहाँ पे ना स्टेशन्स में कोई भी स्टोर चले जाओ, दुकान चले जाओ, आपको दो दो दरवाजे मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड होती है हार्बिन में, अगर 2 दरवाजे नहीं लगाएंगे तो पूरी ठंड अंदर आ जाएगी। हीटर भी कई बार काम नहीं करते भाई ऐसी ठंड में। तो हमारी ट्रेन है प्लेटफॉर्म 1 से, कैरेज है 8 स्लीपर 11, ट्रेन हमारी लग चुकी है प्लेटफॉर्म में। यहाँ पे ना पुलिस वाले जितने भी हैं ना कैमरा लगाए हुए हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड पे, कैमरा क्यों लगाए हुए हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये है हमारा डाइनिंग कार, अभी तो खाली पड़ा है, देखते हैं। अभी एंटर कर गए भाई ट्रेन में, बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, टिकट इन लोगों को समझ नहीं आती, इंग्लिश वाली समझानी पड़ती है। पूरे रास्ते टेम्परेचर रहेगा माइनस में, वन ऑफ द कोल्डेस्ट रूट है ये चाइना में, और पूरी बर्फ़ मिलने वाली है रास्ते में, कहीं कहीं टेम्परेचर आएंगे मतलब -10 -15 भी -20 तक जाएगा।
सो दिस विल बी सम नाइस जर्नी। और इसमें देखो यहाँ पे हीटर्स ना यहाँ पे लगे हुए हैं, तो जो लास्ट वाली ट्रेन देखी उसके हीटर्स अलग थे, इसके अलग हैं। ये कोच थोड़ा ज़्यादा एडवांस लग रहा है मेरे को। पूरे चाइना ट्रिप में खाने पीने का बहुत इशू हुआ, बहुत ज़्यादा। और हम सब कुछ ना कुछ जो है, मतलब अगर आप भी ट्रैवल करोगे चाइना, कुछ ना कुछ तो लाओगे इंडिया से जो कि आप यहाँ पे खा के काम चला सकते हो। मतलब मैं भी अपने लिए लाया था, मैंने अपना न्यूट्रिशन जो है वो साथ में कैरी किया। चाइना हो या फिर जापान हो ना, मैं अपना न्यूट्रिशन अपने साथ ही कैरी करता हूँ। मैं अपने साथ कैरी करता हूँ प्रीमियम गोल्ड वे प्रोटीन बाय बिग मसल न्यूट्रिशन। तो एक साल से आप देख रहे होगे वर्कआउट के साथ, पता है सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप डाइट इनटेक क्या कर रहे हो, फूड इनटेक क्या कर रहे हो, वही जो है आपकी ग्रोथ है मसल्स की डिसाइड करता है। तो एक स्कूप में ना 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। अगर आप अपने आप को एक फ्यूलिंग नहीं दोगे वर्कआउट के बाद, और अगर आप अपनी मसल्स को नॉरिश नहीं करोगे तो वो कैसे ग्रो करेंगी। 5.5 ग्राम BCAA है इसके अंदर। एंड पता है सबसे खास बात क्या है, प्रो हाइड्रोलाज एंजाइम टेक्नोलॉजी, ये जो पर्टिकुलर फैक्टर है ना इसको सबसे बेस्ट बनाता है। और प्राइस के मामले में भी भाई मेरा तो मतलब बहुत ही मुझे वैल्यू फॉर मनी लगता है। एंड पता है लोगों में बात क्या है, इंडिया में लोगों को लगता है यार कि भाई ट्रस्ट का क्या सीन है क्या नहीं है, ये एक बार स्कैन करके लैब रिपोर्ट खुद ही चेक कर लेना। इन्फॉर्म्ड चॉइस UK सर्टिफाइड है, तो ट्रस्ट का तो भाई कहीं से कुछ सवाल है नहीं। ठीक है, एक स्कूप लेते हैं फटाफट। टेस्ट बहुत ही कमाल का है, और मेरा फेवरेट फ्लेवर है बेल्जियम चॉकलेट। तो 7 डिफरेंट फ्लेवर्स में आता है। और इसको पता है आप चाहो तो शेक में भी पी सकते हो, या तो आप चाहो तो मिल्क शेक बना सकते हो। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर आप जिम जाते हो और खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो और अपनी मसल्स को नॉरिश करना चाहते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके अभी परचेज कर लो। क्यों इन्होंने कैमरे वगैरह लगाए हुए हैं, ताकि जो पुलिस वाले हैं वो अपनी मनमर्जी ना करें। कैमरा एक हमेशा प्रूफ होता है या पुलिस वाला सही था या गलत था, या फिर सामने वाला सही था या गलत था। कैमरा जो होता है ना हर चीज़ रिकॉर्ड कर लेता है, और इसकी वजह से सब चीज़ों का प्रूफ रहता है। इसलिए एक तो सिक्योरिटी भाई मैंने देखी चाइना में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। दूसरी चीज़ कैमरे जो है ना वो आपको इतने मिलेंगे ना भाई, इनको हो सकता है अभी भी मैं दिख रहा हूँ व्लॉग करते हुए, तो वो चीज़ आपको चाइना में सबसे ज़्यादा मिलेगी। जो ये कैमरे की मैं बात कर रहा हूँ, चाइना में तो है ही है ऑफकोर्स, कोरिया में और जापान में भी था, और US में तो सबसे ज़्यादा है। पुलिस वालों के यहाँ पे कैमरा लगा होता है, और इसका जो एक्सेस होता है वो ऊपर से होता है, और वो चाह के भी निकाल नहीं सकते, क्योंकि वो एक एविडेंस जो है वो बनता है। मतलब कि जब तक प्रूफ है ना अगर पुलिस वाले के पास, तो आपको वो धर लेगा, पर प्रूफ नहीं है ना, और तो बदतमीजी कर रहा है, ज़बरदस्ती पैसा निकलवा रहा है। नहीं, मैं डाइनिंग कर रहा था कॉफ़ी पूछने के, बस कॉफ़ी नहीं है। 17 घंटे लगेंगे हमको पहुँचने के लिए बीजिंग, 9:40 को पहुँचेंगे, और मेरी 1:45 को फ्लाइट है। वह बोलोगे हैरी भाई आपने इतना बड़ा रिस्क ले लिया कैसे, अरे मतलब एक चीज़ है कि समय की पाबंदी है। वैसे तो 9:40 मतलब 9:40 उम्मीद है पहुंच जाएंगे, बट अगर इसे अगर थोड़ा रिस्क होता तो मैं 9:40 नहीं करवाता, मतलब फिर कोई और ट्रेन लेता अगर रिस्क होता तो, बट उम्मीद है, देखते हैं भाई। ये वाइट वाइट देख रहे हो, ये बर्फ़ जमी हुई है यहाँ, और इस कोच के दरवाजे थोड़े से लाइट ब्राउनिश हैं, पहले वाले के डार्क ब्राउनिश थे, और इसका लॉक भी थोड़ा डिफरेंट है। तो ये देखो, ये आपको बर्फ़ ही बर्फ़ मिलेगी इधर, पिघली हुई बर्फ़ नहीं है। तो हार्बिन का टेम्परेचर पिछले 2 महीने में एक बार भी 0 के ऊपर नहीं गया। ये ठंड, ये जगह इतनी ठंडी है क्योंकि एक बार भी मतलब 0 के ऊपर, मतलब कि 1-2 डिग्री भी नहीं हुआ एक बार भी, तो उसकी वजह से बर्फ़ वैसी की वैसी पड़ गई है, पिघलती नहीं है। पूरे शहर में ना ब्लैक आइस मिलेगी आपको, तो बहुत बार मैं फिसलते बचाऊँ, ब्लैक आइस हो जाती है वाइट आइस के बाद, और ये पूरी स्लिपरी हो जाती है। पिघल नहीं रही है क्योंकि टेम्परेचर जो है वो नेगेटिव ही चल रहा है। निकल चुके हैं फाइनली, ये खाने पीने के सामान भी मिलेंगे आपको ट्रेन के अंदर, चाहो तो ले सकते हो। वैसे तो आप नहीं लोगे मुझे पता है, पर इनका प्राइस देखो 20 युआन है, लगभग वही 250-300 के करीब समझो आपको एक मील मिल जाएगी। तो यहाँ पे भी ना विंडो खोलने का ऑप्शन है, लेकिन देखो लिखा हुआ है डू नॉट ओपन द विंडो, खुलती है खोल नहीं सकते। मेरे ख्याल से हीटर वगैरह की वजह से हो गए। ये देखो भाई, पूरी नदी जमी हुई है, पूरा ग्लेशियर बन चुका है ये। तो आप सोच रहे होगे हैरी भाई आपने प्राइस कितना दिया इसका, तो लगभग मैंने दिया 6,000 रुपये। और एक्चुअली क्या था, देखो मेरे पास बुलेट ट्रेन का ऑप्शन था, होता क्या कि मुझे बीजिंग में एक रात रुकना पड़ता, तो मेरे को बुलेट ट्रेन में भी देने पड़ते 7,500 रुपये, फिर बीजिंग में रुकना भी पड़ता, उसके अलग 3,000-4,000 रुपये लग जाते। इससे अच्छा ये ओवरनाइट ट्रेन ले ली, एक ही बार लगा पैसा, कल सीधा एयरपोर्ट जाके फ्लाइट पकड़ लूंगा, तो यहाँ मेरा पैसा बच गया बहुत। यहाँ से बीजिंग है लगभग 1100 किलोमीटर, लगभग वही 15-16 घंटे में हम कवर करेंगे, रुकेंगे। इस ट्रेन के स्टॉप्स हैं, जो पहले वाली थी ना वो बहुत फास्ट थी। चाइना में एवरेज स्पीड है ट्रेन की वो अबव 100 किलोमीटर पर आ रहे हैं। तो भाई
भाई ये शायद हम हार्बिन स्टेशन के अंदर एंटर कर रहे हैं। बहुत ही कमाल का बना है भाई इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ना, बहुत आपको लगेगा जैसे पता नहीं कौन से हम स्टूडियो में आ गए हैं, कोई फिल्म स्टूडियो में वैसा टाइप का स्टेशन है। काफ़ी बढ़िया है और आई थिंक ट्रेन यहाँ से भी और भरेगी। तो इस ट्रेन का सिस्टम अलग है, पुराने वाली ट्रेन में आप बटन वटन दबाते थे तब खुलता था, और थोड़ा सा इसका ना नया इंटीरियर लग रहा है मुझे। चाहे कोई भी स्टेशन हो इन लोग सारे दरवाजे नहीं खोलते, कुछ कुछ ही खोलेंगे, वहीं से आपको एंटर करना होता है और वही खोलेंगे जहाँ पे क्रू खड़ा होगा, कुछ एकदम गुड टू नो स्टफ। और ये देखो पूरा कांच गीला हो चुका है, अंदर गर्मी बाहर ठंड उसी वजह से, और बाहर कोई बुलेट ट्रेन खड़ी हुई है। जैसे कि मैंने बोला बीजिंग बहुत सारी बुलेट ट्रेन भी चलती हैं, वो भी ऑप्शन था। बुलेट ट्रेन लगभग 6 घंटा ले रही थी, 5 घंटा मतलब मिनिमम था, 4.5-5 घंटा बुलेट ट्रेन लेगी आपको बीजिंग के लिए, लेकिन मैंने ओवरनाइट ली। तो 3-3 वॉश बेसिन हैं, और देखो यहाँ पे नैपकिन वगैरह भी दिया हुआ है, उसके अलावा यहाँ पे ये सोप डिस्पेंसर वगैरह दिया हुआ है, तो काफ़ी बढ़िया है। ये ट्रेन बहुत साफ लग रही है, वो ट्रेन साफ थी शुरू शुरू में लेकिन बाद में उसके परखच्चे उड़ गए थे बिकॉज ऑफ कोर्स लंबा रूट था। हेलो, ये क्रू है, ये बेचने लग रहे हैं ट्रेन के अंदर, और ये डाइनिंग कार से लेकर आते हैं। जैसे हमारे यहाँ पैंट्री होता है ना, यहाँ डाइनिंग कार है, तो जाता हूँ मैं डाइनिंग कार एक बार दिखाता हूँ आपको, काफ़ी सुंदर सा है, बढ़िया सा है। तो ये देखो भाई वाइट ट्रेन वाइट स्नो, कितना बढ़िया मंजर लग रहा है, और शाम होने लग रही है, और वो देखो बिल्डिंग में लाइट चमक रही है, मतलब पूरा सिनेरियो भाई एक पेंटिंग बन सकती है मेरे हिसाब से। ये ट्रेन काफ़ी बढ़िया थी, वैसे मेरा मन था इसमें ट्रैवल करने का, लेकिन इसमें आप जर्नी देख चुके हो ओवरनाइट वाली, तो इसी में थी। देखो दिस इज़ द डाइनिंग कार, इन्होंने देखो शायद ये ऑलिव ऑयल सब कुछ रखा हुआ है, इसको ऑलिव ऑयल बोलेंगे, सोया सॉस सॉल्ट शुगर रखी हुई है। और यहाँ पे भी ना नीचे पूरा हीटर चलने लग रहा है, तो पैर पूरे गर्म हो रहे हैं। हालांकि मैंने नीचे दो दो पहने हुए हैं, एक जीन्स पहनी हुई है और मैंने थर्मल पहना हुआ है, तो टी और कॉफ़ी है नहीं, समझ नहीं आ रहा क्या पीऊँ, मेरा बैठने का मन है इधर। लाइट्स भी अच्छी लग रही हैं इसकी, और बाहर नज़ारे भी अच्छे हैं। अच्छा यहाँ पे देखा है ना चाइना में चाय कॉफ़ी का चलन बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल चाय कॉफ़ी नहीं पीते ये लोग। ये है मेरी सीट, सामने देख रहे हो हैंगर है, क्रू बेल है आई थिंक, एंड दिस इज माय सीट। काफ़ी ज़्यादा चौड़ी है, आराम से नींद आती है भाई, नींद बहुत बढ़िया आती है। और यहाँ पे मैं अपनी जैकेट टांगूंगा, यहाँ पे मैं अपनी जैकेट टांगने वाला हूँ, और यहाँ पे मैं मतलब जो भी बॉटल वगैरह है पानी की वो रखने वाला हूँ, एंड दिस इज़ द ओवरऑल सीट। तो मेरी सीट में ये रीडिंग लैम्प्स भी दी हुई हैं, और बेडशीट और पिलो पहले से दिया होता है यहाँ पे, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। केटल भी दी होती है, ये मैं आपको दिखा चुका हूँ पिछले वाले वीडियो में। तो देखते देखते अंधेरा हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज ये फार मोस्ट ईस्ट रीजन है, तो यहाँ पे 5:15 बजे ही अंधेरा हो जाता है, और बाहर ये पटाखे फूट रहे होते हैं। अभी चाइनीज न्यू ईयर का कुछ टाइम होता है। ये रहती है अपर वाली सीट, द इंटीरियर ऑफ सॉफ्ट स्लीपर, तो आप अच्छे से देख सकते हो ये जो बेडशीट की क्वालिटी देते हैं ना अच्छी देते हैं, और ऊपर लगेज रखने का सामान नीचे भी रहता है और ऊपर भी। कोई तो स्टेशन आया है भाई, और ये लग रहा है बिल्कुल गांव वाला स्टेशन, बट हाँ ये देखो ट्रेन रुकी है, क्रू बाहर है, और ये बर्फ़ यहाँ पे भी जमी हुई, बर्फ़ पिघलने का नाम नहीं ले रही क्योंकि टेम्परेचर जो है वो है माइनस। मैं ऐसे ही आ गया बाहर, फिर आप बोलोगे भाई क्या कर रहा है, बट चलो कोई बात नहीं, बिस्किट खा रहा था। बाहर का माहौल अच्छा है, खाने पीने का कुछ नहीं मिलेगा आपको, जैसे हमारे इंडिया में चाय मिल जाती है ना, यहाँ नहीं है। अब चलते हैं अंदर। तो मेरे ख्याल से इस ट्रेन के स्टॉप्स काफ़ी ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा स्टॉप्स हैं इस ट्रेन के कंपेयर टू लास्ट वाली ट्रेन, वो बहुत लंबी ट्रेन थी और बहुत फास्ट थी, बट हाँ बस टाइम से पहुँच जाए मुझे तो वो चाहिए। और आज पटाखे टाके बहुत फूट रहे हैं, पता नहीं शायद चाइनीज़ न्यू ईयर है आज, जो भी है बहुत पटाखे फूट रहे हैं आज। कोई तो स्टेशन आए हैं, और आंटी को ना मतलब पूरा डार्क पसंद नहीं है, मतलब जब मैं बंद कर रहा था तो वो कह रही थी कि मतलब पूरा बंद मत करो, बहुत मुश्किल से समझाया मैंने चाइनीज में, तब समझ में आया कि थोड़ी लाइट आन दो, अंदर वाली जो है वो बंद कर दो, अब जाके सॉर्ट हुआ है। ये दादी बहुत प्यारी सी हैं बेचारी, और इनको ना मतलब अंधेरे में नींद नहीं आती, और इनको बाथरूम जाना था तो जा नहीं पा रही थी क्योंकि ट्रेन जब रुक जाती तब आप नहीं जा सकते हो। हम लोग गूगल ट्रांसलेट से बात कर रहे हैं, बट कर रहे हैं। ये देखो पूरी बर्फ जो है इन्होंने साइड की हुई है,
जैसे ही आप इस दरवाजे के पास आते हो ना, इस विंडो के पास, आपको ठंड का एहसास होने लगता है। बाहर -10 degrees हो रहा है, सोचो -10। तो जैसे ही अब यहाँ पे आओगे ना, एकदम से आपको ठंड फील होगी। ठंड पता है मेन लगती है यहाँ पे, तो ये चीज पूरी सी ना, मतलब एकदम गूस बम्स टाइप के आ जाते हैं। और अभी फिलहाल ये हीटर नहीं चल रहा है, और यहाँ पे भी इन्होंने न्यूज पेपर और मैगजीन होल्डर्स वगैरह दिए हैं। ये हमारा कोई दूसरा या तीसरा स्टॉप है, और यहाँ पे भी बर्फ़ जमी हुई है पूरी की पूरी। मैं पता नहीं, आज चाइनीज़ न्यू ईयर है शायद गाइस, कुछ तो है। अरे मेरे मुंह से धुआं देख लो, बहुत ठंड है, अराउंड -12 -13 होगा। पर बाहर निकल के एक बार बात करने का मज़ा ही अलग है, और हर जगह पटाखे फूट रहे हैं, शायद चाइनीज़ न्यू ईयर है आज, मे बी उसी लिए। मतलब रुक ही नहीं रहे, 1 घंटा हो गया है भाई, हर जगह। चलते हैं अंदर, 2 मिनट का स्टॉप है। और एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि इन लोग ये चीज़ लगा देते हैं, हमेशा लगाते हैं भाई, ताकि गलती से भी कोई नीचे ना गिरे। तो ये चीज़ मतलब है कि भाई लोगों, इनको पैसेंजर्स का ध्यान है, कुछ भी 19-20 नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाय चांस पैर स्लिप हुआ ना वहाँ से, तो सीधा आदमी नीचे जा सकता है। वॉकी टॉकी में बात करेंगे और बंद करेंगे। और ये गर्म पानी के लिए दिया हुआ है, कोई रामेन बना सकते हो चाहो तो। और ये है क्रू एरिया, अटेंडर्स रूम। देखना भाई, यहाँ पे भी बर्फ जम चुकी है। अभी हम आए हैं शेनयांग नॉर्थ करके, तो देखना यहाँ बाहर टेम्परेचर -12 degrees Celsius है। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, भी हो रहे हैं सुबह के 6:30। मैं आ चुका हूँ बाहर, तो ये बर्फ देखो जमी हुई है अभी भी। सो अभी हम बीजिंग से लगभग 200 किलोमीटर दूर हैं, यहाँ से भी पैसेंजर्स चढ़ने लग रहे हैं, क्योंकि ये ट्रेन जाएगी आगे। और भाई पता है, रात में ना इन लोग पूरा शीशा ईशा गिरा देते हैं ट्रेन का, मतलब ये पता नहीं क्यों ढक देते हैं कोई रीजन से। और ना यहाँ पे मैंने जितने भी घर देखे रास्ते में ट्रेन में, सारे घरों में ना 2-2 विंडोज हैं, ताकि ठंड अंदर ना आए। इनफैक्ट ट्रेन के अंदर भी जो दरवाजा है ना एग्जिट करने का, वो 2 है, एक मतलब खुलने का बाहर जाने का, और एक और है ठंड बचाने का। तो भाई देखो यहाँ पे भी बर्फ पड़ी हुई है, मतलब सोचो 17 घंटे हो गए निकले हुए, लेकिन बर्फ नहीं जा रही। इतना द टेम्परेचर इज अराउंड -10 degrees Celsius जहाँ पे मैं हूँ अभी। और इस ट्रेन के स्टॉप बहुत हैं, कल रात में पता नहीं इतनी सारी ट्रेनें जो हैं भाई ओवरटेक करके गईं, पता नहीं 10 से ऊपर, यहाँ पे अलग ही सीन चल रहा है। तो ये पैसेंजर्स चले नहीं जाएंगे ना अंदर, तब तक ट्रेन चलेगी नहीं। वैसे 2-2 दरवाजे जो मैं बोल रहा था ना, इसलिए है यहाँ पे। तो जो ये ओवरटेकिंग वाला सीन है ना, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा है। कल रात में तो भाई 10-10 ट्रेन मैं बोल रहा हूँ ना ओवरटेक करके गई। और डाइनिंग कार का तो मेरे को सीन समझ ही नहीं आया, पता नहीं शायद वेटिंग लिस्ट वाले, या पता नहीं भरा ही रहता है, वेटिंग लिस्ट वालों से भरा रहता है, मतलब कुछ भी अजीब ही लॉजिक है भाई ये तो। मतलब सही में मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया डाइनिंग कार का क्या लॉजिक है। चाय कॉफी की बहुत प्रॉब्लम होगी अगर आप चाइना में ट्रैवल करते हो, और सोचो बाहर -10 हो रहा है, आप चाहोगे कि सुबह सुबह एटलीस्ट एक कॉफी तो पी लो। चलो चाय नहीं समझ में आती है, चाय नहीं पीते लोग, बट कॉफी तो पी सकते हो यार, वो भी नहीं है। एक ये बहुत बड़ा इशू है, और ये तो मतलब लास्ट ट्रेन में भी हुआ था, बट वहाँ जुगाड़ उगाड़ कर लिया था मैंने, लेकिन यहाँ तो भाई वो भी नहीं है। तो मेरा ना अली पे नहीं चल रहा था एक्चुअली, भैया ने मुझे ये कोकोनट वाटर दे दिया। तो अली पे की भी ना मर्जी है, मतलब कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा, तो अभी फिर नहीं चला। मुझे पानी लेना था, तो उन्होंने देख लिया कि भाई मुझे पानी चाहिए, पैसे नहीं दे पाया, तो इन्होंने मुझे कोकोनट वाटर दे दिया। हाउ नाइस। भाई कोई तो स्टेशन आया है, इसका नाम पता नहीं अलग अलग सा लिखा हुआ है, बहुत स्टॉप है यार इस ट्रेन के, और चाय कॉफी बिल्कुल ही नहीं है। तो आपको मैं कह रहा हूँ ना कि मैं जो जर्नी कर रहा हूँ वो सबसे कोल्डेस्ट रीजन की जर्नी है, मतलब वन ऑफ द कोल्डेस्ट रीजन की। ये देखो ये पूरी बर्फ जमी हुई है नीचे, ये मंजर आपने कहाँ देखा होगा बताओ, ऐसा कुछ कभी देखा है आपने? ये देखो पूरा जमा हुआ है, आई थिंक ये डाइनिंग कार है ना, यहाँ से पानी निकला होगा तो पूरा ये बर्फ जम गई यहाँ पे।
और ये देखो ये ट्रेन में चढ़ने से पहले ना इन लोग अनाउंसमेंट करते हैं कि भैया लाइन से चढ़ो करके या अच्छे से चढ़ो। स्टेशन का नाम है यू तान शान में खड़े हैं हम अभी। यहाँ से बीजिंग होगा लगभग 100 किलोमीटर। देखो कैसी बर्फ बर्फ जमी हुई है भाई, वो देखो अंदर से भी बर्फ जमी हुई है। अरे भाई साहब अलग ही मंजर है यार। अभी टेम्परेचर है कुछ -5 और ये क्रू देख रहे हो भाई, ये रात भर ऐसे ही बस यूनिफॉर्म में रहते हैं, यूनिफॉर्म इनकी उतरती नहीं है। तो भाई इन लोग यूनिफॉर्म में ही रहते हैं, मैं कल से देख रहा हूँ, मतलब रात में भी पहने रहेंगे और सारे लाइन से ही खड़े रहते हैं हम सब स्टेशन में। भाई मतलब अलग ही रूल है यहाँ पे। सही है यार, मतलब जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि एक टीटी जो है वो एसी को देखेगा, एक टीटी जनरल स्लीपर को देखेगा, यहाँ पे एक क्रू सब डब्बे के लिए और सब लाइन से खड़े रहते हैं और सब पैसेंजर्स की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पे है, कुछ भी हुआ कुछ तो इन पे आएगा सब कुछ। मतलब यहाँ पे लोग स्मोक बहुत करते हैं तो डस्टबिन के साथ साथ ना ऐश ट्रे भी दिया हुआ है। ये ऐश ट्रे डस्टबिन तो होता ही है, ऐश ट्रे भी दिया है। तो मैंने ना इनर भी पहना हुआ था लेकिन वो मैंने उतार दिया, अभी मैं सीधा एयरपोर्ट निकल जाऊंगा। एयरपोर्ट तक ठंड लगेगी बहुत ज्यादा, एयरपोर्ट के अंदर जाते ही फिर मेरी हांगकांग की फ्लाइट है तो हांगकांग में ठंड है नहीं और दिल्ली में भी उतनी ठंड नहीं है कि आप इनर पहनो, जैकेट पहन सकते हो दिल्ली में। वही है इनर मैंने उतार दिया था, मतलब ये नीचे वाला। तो कल रात में मेरे को लगा यार हमारी ट्रेन तो लेट हो जाएगी क्योंकि कहीं पे रुक गई 1 घंटे के लिए, तो मैं डर गया भाई भाई मेरी फ्लाइट है 1:45 की और 9:40 का इसका टाइम है, अगर 1-2 घंटा भी लेट हो गई तो मेरे तो गए फ्लाइट खत्म। बट बाद में रियलाइज हुआ कि ट्रेन वैसे ही स्लो है एक्चुअली। भाई 10 ट्रेनों ने ओवरटेक किया इस ट्रेन को। इंडिया में होता है ना चलो 1-2-3 टेक कर ओवरटेक कर देती हैं, 4 कर देती हैं, इसको तो भाई लगातार 10 ट्रेनों ने, और जब से हम चले हैं तब से मुझे लगता है कम से कम 20 ट्रेन ओवरटेक कर चुकी हैं इस ट्रेन को, तो ये बहुत ही स्लो है। बट एनी वे मेरा काम तो हो गया भाई, मेरे को सोने को मिल गया बेड और होटल का पैसा बच गया। देखो जो मैं आपसे बात कर रहा था ना ओवरटेक की, कम से कम ये 25वीं ट्रेन होगी जो हमसे आगे निकल रही है। जो मेरी लास्ट ट्रेन थी ना शेंजन से हार्बिन, वो थी सुपर फास्ट भाई, स्टॉप ही नहीं थे उसके। तो मतलब 1 घंटे रुकने के बाद और ओवरटेक्स लेने के बाद भी हम टाइम पे हैं और अभी लगभग 70-80 किलोमीटर दूर होंगे बीजिंग से, टाइम से पहुंचेंगे क्योंकि इसका एक्चुअली रूट ही और बनाया वैसे ही है कि भाई ये रुक रुक के चले। तो लगभग अभी 36 किलोमीटर्स बचे हैं बीजिंग, 56 से भी कम बचा होगा। इनसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे भी ना पूरा क्रू जो है वो आके मतलब सारा जो जितना भी कचरा है सब ले जाते हैं, एक भी कचरा छोड़ते नहीं है, और यहाँ के जो पैसेंजर्स हैं वो भी पूरा सामान जो है खुद जाके रखाते हैं बाहर। तो भाई ठीक 9:55 एंड वी आर इन बीजिंग स्टेशन। ये गैम्बल खेलना सही था, अब फटाफट निकलना है एयरपोर्ट और हमारी फ्लाइट है 1:45 की। भाई ज़बरदस्त रश है और टिकट फिर दिखानी पड़ेगी शायद। तो हमारे इंडिया में क्या होता है ना, वो लक बाय चांस होता है, अगर पकड़ लिया तो पकड़ लिया अपने टिकट के, यहाँ पर दिखानी पड़ती है। तो कैब में बैठ के मैं आपको ये व्लॉग को जो है ना एंड करूँगा। तो भाई फाइनली कैब में बैठ गए और मुझे याद है 13 दिन पहले मैं आया था कैब में, क्या भसड़बाजी थी, 2 दिन बिल्कुल समझ नहीं आया था मुझे, VPN का कुछ भी नहीं आया था। नाउ इट्स टाइम कि अब मैं जाऊँ एयरपोर्ट और हम वापस जाएँ इंडिया। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो, पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर करना दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।